हेलो, बस कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह एडिटिंग करेंगे, पूरा HD फेस स्मूथ कैसे करते हैं एंड फेस को कैसे वाइट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू तक बने रहना हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाइयों। तो सबसे पहले ब्रदर्स, हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमें फ़ोटो एडिटिंग करना है उसको क्या करेंगे, हम लोग अपने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर खोल लेंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे, यानी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर इस वाले फोटो को मैंने एडिटिंग कर रहा है, तो इसको मैंने ओपन कर लिए हैं। और देखिएगा नीचे तो बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले हम लोग को टूल्स क्या करना है, आप लोगों को लाइट वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर दे रहा एंड आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर का, कंट्रेस्ट का, हाईलाइट का, शोडाउ का, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये मुझे बताने वाला नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अपने कंट्रोल से ही कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हो, आप लोग कितने लाइट चाहिए, ये लाइट वगैरह का है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो कितने लाइट चाहिए कितने नहीं, ये आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, ये बताने वाला नहीं है। हर फोटो का अलग अलग यहाँ पर लाइटिंग होता है। तो ये मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही माइनस प्लस करके देख लीजिएगा फोटो कैसे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लिया एंड आप लोग को साइड में यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है एंड आप लोग के सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की तरह, एक आप लोग को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वाइब्रेंस का, इसको आप लोग को थोड़ा हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है, 30+ कर देना है, ओके। और यहाँ पर नीचे सेचुरेशन का ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देना है, यानी कि 10 यहाँ पे माइनस कर देना है, इतना कर देना है। इतना करने के बाद आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन भी, इतना करने के बाद आप लोगों को ऊपर थोड़ा यहाँ पे देख सकते मिक्स का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा एंड आप लोग के सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप लोग क्या करना, दो यहाँ पे फर्स्ट जो दो नंबर वाला कलर है ना, दो नंबर वाला कलर यहाँ पे, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेचुरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे बीच वाला में, इसको आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर देना है, 50 माइनस कर देना है, चलो यहाँ पे 50 माइनस कर देते हैं। अब आप लोग को वीडियो में सोच लगन तक बने रहना, यही आप लोग को सेटिंग जो है मेन है, ठीक है। इसको आप लोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग फेस को आप लोग वाइट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेचुरेशन को यहाँ पर मैंने कर दिया है 50 एंड लिमनेस को आप लोग को यहाँ पर कर देना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं फेस मेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वाइट हो गया है, पहले कैसा था एंड अब कैसा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, रेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि सबसे फर्स्ट वाला है, इसका भी थोड़ा सा आप लोग सिचुएशन को माइनस कर देना है यहाँ पे, और इसका जो लिमनेस है उसको थोड़ा सा प्लस कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फेस में जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ वाइट हो गया है। अब आप लोग का बैकग्राउंड जो है ग्रीन है, ओके। आप लोग बैकग्राउंड के यहाँ पे कलर्स थोड़ा लाना है, तो आप लोग ग्रीन वाला यहाँ पे कलर क्लिक कर देना होगा और इसका सिचुएशन को प्लस 100 कर देना होगा, और येलो वाले कलर पर जाकर इसको भी सिचुएशन को आप लोग को प्लस 100 कर देना होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलर आ चुका है, और मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कलर एक्स्ट्रा कलर आ गया, तो उसको यहाँ पे आप लोग जाकर हर कलर पे जाकर आप लोगों को सिचुएशन यहाँ पे माइनस कर देना। करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस वाले फ़ोटो को डन कर देना है, और इस वाले फ़ोटो को आप लोग को स्नैपशीट के अंदर ओपन कर लेना होगा। तो देख सकते हैं ब्रदर्स, यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोटो को जो मैंने लाइट एप्लीकेशन के अंदर एडिट किया था, उस वाले फ़ोटो को मैंने स्नैपशीट के अंदर यहाँ पे ओपन कर लिया है। अगर आपके पास स्नैपशीट नहीं है तो आप लोग जाकर इजीली प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद आप लोग को यहाँ पे टूल्स का नीचे यहाँ पर साइड में आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या हुआ, ये सबसे ऊपर लाया ना, बहुत सारे यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई दे रहे होंगे पहले, तो अब आप लोगों को दो नंबर वाला जो टूल्स है ना डिटेल्स का, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर थोड़ा सा करके ऐसे जो स्पेनिंग है ये क्या लिखा है, सरपेंडिंग यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग को पूरा 100 कर देना होगा, यहाँ से डन कर देना होगा। फिर से आप लोग को टूल्स पे यहाँ पे जाना होगा, और दो नंबर पर जाने कर बाद आप लोग फिर से ऊपर करके थोड़ा सा इसको 50 या इस बार आप लोग को 50 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते फ़ोटो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो गर्दन में ब्लैक है, यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है मेरे फेस पे। आप लोगों को इसको वाइट करने के लिए क्या करना होगा, इजीली आप लोगों को यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर देना है एंड आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सिलेक्टिव का, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पर एक बार क्लिक करके आप लोग को दोनों उंगली से छोट कर लेना होगा यहाँ पे, और इसको आप लोग ब्राइटनेस को यहाँ पर बढ़ा देना होगा। ये सेटिंग आप लोग भी कर सकते हो, जितना आप लोग को चाहिए यहाँ पर वाइट, उतना वाइट अपने हिसाब से फोटो के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग कर लेना डन। डन के बाद जहाँ जहाँ अगर आपके पास ब्लैक दिखाई दे रहा है, आप लोग फेस पे जहाँ भी ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे मैंने कर लेता हूँ यहाँ पे।
प्रोसेस यहाँ पे जो मेरा स्नैपचैट के अंदर जो ऐप का काम था वहाँ पे ये पूरा हो गया है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप लोग मिस कर दोगे तो आप लोग को फोटो समझ में नहीं आएगा और आप लोग एडिटिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कर लिया है स्नैपचैट के अंदर जो भी काम था मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब क्या करना है, आप लोग को फोटो को यहाँ से डन कर लेना है, गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो देख सकते हैं ब्रोस, यहाँ पे मैंने गैलरी के अंदर फोटो को यहाँ पे सेव किया था, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसे सेंड कर दूंगा ऑटोडेस्क यानी स्केच बुक यहाँ पे। अब अगर आपके पास नहीं है तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑटोडेस्क या स्केच बुक लिखेगा तो आ जाएगा प्ले स्टोर पे ऐसे करके। तो देख सकते हैं ब्रोस, यहाँ पे मैंने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर ये वाला फोटो को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग मेन जो है यहीं पे है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखना होगा, इसी में बहुत सारे बंदे जो उनको समझ में नहीं आता है फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, वो भी पूरा हार्ड स्मूथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ब्रश वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। एंड आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे ब्रश दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोग बता दे रहा हूँ मैं कौन सा आप लोग को ब्रश यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ब्रश आप लोग को यूज़ करना है, जहाँ भी होगा इसे खोज लीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर है, ठीक है। और सेटिंग इसका मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग रखना है बीच वाले को 3। अगर आप लोग के पास मोबाइल का जो फोटो है उसको आप लोग 4 भी रख सकते हैं फोलो को, बीच वाले को, और नीचे वाले को यहाँ पे 9 रख सकते हैं, और साइज अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। इतना आप लोग सेटिंग रखना है बस, इसके बाद कुछ नहीं करना है। आप लोग को मैक्सिमम जून कर देना है, ज़्यादा जून भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग इतना जून कर दीजिएगा और ऐसे अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग फेस यहाँ पे स्मूथ होने लगेगा पूरा फुल HD क्वालिटी में, ठीक है। और आप लोग आराम आराम से यहाँ पे कीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो आप लोग का फेस ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो, और वीडियो को जल्दी देखकर आप लोग भी फोटो एडिटिंग करना सीख जाओ, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा फास्ट करता हूँ। यहाँ पे फोटो का जो फेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैंने स्मूथ कर दिया, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा फुल HD बोलो यहाँ पे यहाँ पे स्मूथ हुआ है फेस, ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही धीरे धीरे आप लोग भी कर लेना, ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही बिल्कुल स्मूथ कर पाओगे, ठीक है। एंड आप लोग को क्या करना होगा, अगर आप लोग चाहते हो अपने लिप्स पे कलर लगाना तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोग ऊपर यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक लेयर बन गया है, लेयर पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना, सॉफ्ट लाइट पर चले जाना होगा, यहाँ से बैक आ जाना होगा। और आने के बाद आप लोग को ऊपर एक कलर का भी यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस पर आप लोग इजिली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने आप लोग जो भी कलर आप लोग लगाना चाहते हैं अपने लिप्स पर वो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कलर चूज़ कर लेना होगा, और करने के बाद आप लोगों को ब्रश वाला आइकन पे चले जाना होगा। आप लोगों को ये वाला ब्रश आपको ले लेना होगा, ये बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये वाला आप लोगों को इजीली ब्रश ले लेना, ठीक है। ये वाला ब्रश आप लोग यूज़ कीजिएगा अपने लिप्स को कलर लगाने के लिए, यहाँ पे इसका साइज़ छोटा कर दीजिएगा और आप लोग ऐसे अप्लाई कीजिएगा अपने लिप्स पे तो कलर चढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना है, और थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को मेन टॉपिक यहाँ पे छूट सकता है, आप लोग उसे मिस कर सकते हो। तो आप लोग ऐसे ही बिल्कुल लिप्स पे कलर लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कलर लग गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा फोटो। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा चश्मा है उस पर भी कलर लगाना है, ऐसे बहुत अच्छा ख़राब दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कलर यहाँ पे लगाना है, तो आप लोग को क्या करना होगा, उसी वाला जहाँ से आप लोग लेयर बनाए थे उसी पर आप लोग को क्लिक कर दोगा। एंड आप लोग को प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने पर आप लोग को फिर जैसे आप लोग किया ना यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे जाकर आप लोग सॉफ्ट लाइट कर दिए यहाँ पे नॉर्मल जाकर, वैसे ही सेम आप लोग करना है। और इसका भी कलर आप लोग कुछ रख लीजिएगा अपना हिसाब से, जिस तरह का आप लोग कलर लगाना चाहते हो। और इस बार ये वाला आप लोग को ब्रश नहीं रहा, इस बार आप लोग को ये वाला ब्रश ले लेना है, और लेने के बाद आप लोग को अपने साइज़ को इसको बड़ा कर देना और अपने चश्मे पर भी अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है मेरा चश्मा। ऐसे आप लोग अपने लिप्स या कोई भी चीज़ पे आप लोग कलर चढ़ा सकते हो, आप लोग टी शर्ट पे भी कलर्स चढ़ा सकते हो इजीली ऐसे करके, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहा है और मेरे एडिटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं बस यहाँ पे मैंने एने को भी यहाँ पे कलर लगा दिया है, यानी कि चश्मा पे मैंने कलर लगा दिया है। आप लोग भी इजीली ऐसे ही लगा सकते हो। अब आप लोग फोटो को यहाँ से सेव कर लेना होगा और लास्ट एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को सेंड करना है, जो कि मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो या अपने
इस वाले फोटो को सेव करके भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो भाइयों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने यहाँ पे पिकआर्ट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को यहाँ पे सेंड कर दिया हूँ। अगर आपके पास पिकआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैं हर वीडियो में आप लोग को ये वाला बात एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फोटो को पिकआर्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे सेंड किया है। अब आप लोग हम लोग कुछ नहीं करना, बस एक PNG लगाना था, इसीलिए मैंने इस वाले एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया। ठीक है, फोटो को तो आप लोग नीचे बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लोग को PNG वगैरह लगाना हो तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर पे जाना होगा आप लोग को। और यहाँ पे मेरा नेट बंद है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। मैंने यूज़ किया यहाँ पे रिसेंट पे यहाँ पे यूज़ किया था, जो यूज़ किया था मैं उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे PNG। आप लोग लिखिएगा सर्च बार में जाकर लाइट PNG, तो आप लोग को सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे आप लोग टूल्स दिखाई दे रहे हैं ब्लेंड का, इस आप लोग क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग इसको बड़ा कर लेना। और यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन मल्टीप्लाई, तो आप लोग इजीली स्क्रीन कर देना है। और इसको आप लोग यहाँ पे साइड पे लगा सकते हो, आप लोग जैसे चाहते हो वैसे लगा सकते हो, फोटो बस अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा इसका ओपेसिटी कम करके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना पर अटैच कर दिया हूँ। देख सकते हो फोटो पहले बहुत ही ख़राब था मेरा, यहाँ पे एडिटिंग करने के बाद से कुछ इस तरह का हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं आया होगा, जहाँ जहाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो आप लोग को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर से बता देना, और भाई को सपोर्ट करना।